यो है भाई का वो जट्टा जो अभी इनाम जीतता है। आजा भैया बलियो रे, आजा वकील साहब, नहीं आजा वकील, आजा गुंडा वाला। हेलो फ्रेंड्स, आकाश व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और छोटू दोनों जा रहे हैं गंगा जी, फिलहाल अभी रास्ते में हैं, फिलहाल रास्ते में हैं और ये रही अपनी बाइक। अभी 26 किलोमीटर है हमारा यहाँ से, बहुत जल्द मिलेंगे, पहुँचते हैं, मिलते हैं। फिलहाल अभी दीवानसु नहीं है आज हमारे साथ, हम दोनों ही भाई पहुँच रहे हैं गंगा जी। गंगा जी पहुँच के मिलते हैं अब। भाई डेरा ना मिल रहा हमारा, भाई 2 घंटे से घूम रहे हैं, डेरा मिल नहीं रहा। गंगा जी में पहुँच गए थे, ओ तेरी भाई, पूरा संघर्ष चल रहा है मेले का, डेरे का कुछ पता नहीं। तो 2 घंटे से ढूंढ रहे भाई, अब तो कुछ पता नहीं। अब तो ट्रैक्टर की लीक भी ना मिल रही भाई, रास्ते देख रहे हो तुम, हमारी बाइक कितनी अच्छी है। आकाश भाई ने फैसला कर लिया भाई एक बेचने का, कौन सी लोगे भाई? भाई अब साइकिल लो, साइकिल की इच्छा हमारी, साइकिल। तो भाइयों, रात डेरे में पहुंचने में हम ज़्यादा लेट हो गए थे, फिर थोड़ा थक रहे थे इसलिए अपना जल्दी सो गए थे। अब उठे हैं, अपना पहुंच गए दोनों भाई। रात हमें डेरा मिला किस टाइम? 11 बजे के आसपास तो हमें रात डेरा मिला। वो भाई एक नंबर का व्यू है और पूरा मज़ा आ रहा। देखो व्यू देखो, पहले बहुत ही बढ़िया व्यू हो रहा है इधर, अपना डेरा पीछे। तो भाई यो डेरा नान जा रहे हैं अब अपना, ये छोटू है अपना, जल्दी है भाई नान। ये हमारे भाई साहब जी, ये अपने सैन की भाई, देखो भाइयों हम पहुंच चुके हैं गोवा बीच पे। भाई यहाँ ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो कंपटीशन चलता हुआ मिल रहा है, और जो उन्हें इनाम इनाम रखा गया था उसकी भी इनाम मिल रहा है। समय 1 घंटा 26 मिनट, दिनांक 19 नवंबर, सिद्धार्थ बिलचुरी। आपको इसमें जो डिटेल है वो सब आप इसमें वीडियो में मिल जाएगी। लगा लो हाथ, चेयरमैन साहब आइयो, इंग्लिश में आइयो, यो है भाई का वो जट्टा जो अभी इनाम जीतता है। आजा भैया बलियो रे, आजा वकील साहब, नहीं आजा वकील। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में, और आज मैं हमारे जो भाई है हमारे ब्लॉगर, मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए, आप अपना वो बताइए एक्सपीरियंस क्या रहा भैया? बहुत ही मज़ा आ रहा है एकदम सर, रात से आए हैं अभी, वहाँ पर गए थे घूमने उधर जी, एक नंबर का व्यू है, एक नंबर का मजा बताइए। हम आए पतले से, पतला गाँव मोदे से, बहुत बढ़िया, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा मतलब क्राउड है, बहुत लोग आए एंजॉय कर। भाई यहाँ ट्रैक्टर फंस चुका है ये वाला, और ये देखिए 2 ट्रैक्टर इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर कितनी बड़ी तरह से फंस चुका है। उसके नीचे रेत साथ है, वो भी भर जाएगा। साथ बैठे हैं सोनू भाई, सोनू भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यहाँ आए हैं दूर से,
यहाँ आए भाई, सब लोग आ रहे, बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेला है। कहाँ से आए आप फोनो भाई? डडरा मेरठ। डडरा मेरठ से तो आपको यहाँ आके मतलब कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब आते हैं 8-10 दिन के लिए, किसानों का मेला हो गया, अब सब मिल रहे हैं, रोड जहाँ बैठ जा, मन लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जो आपके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गया था, वो मैंने सुना है कि आपका ही था हेलीकॉप्टर? हाँ, अपनी पार्टी का ही, अपनी सरकार का है। योगी जी सबके लिए फूल बरसवा रहे हैं। जी अंकल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अगर मैंने बोल दिया ना तुम से जिले ना कुछ भी। जो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर किसी का ना है, मैंने भेज दिया, बालक का था मेरा। अन्नू कह रहा मैं फूल बरसाऊं पापा, मगर चल तू भी खुश हो ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब। जी सर, बस कुछ नहीं, अपना गंगा जी पाए, गंगा जी पाए, अपना फन करो, एंजॉय करो। फेसलिफ्टेड है और अभी गोल्ड इसके और 10-20 लाख रुपए लगाने वाला है। तो भाइयों पहुंच चुके हैं इस बार मेले के सबसे फेमस टेंट में, और यहां पे मिलवाते हैं आपको बड़े भैया जी से, मिट्टू त्यागी जी से। तो भैया इस बार जो आपका टेंट है यहाँ पे एक मेले में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या खास है टेंट में जो आप इतने फेमस हो चुके हैं इस बार? ऐसा इस बार मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कि फेमस होना तो डिफरेंट चीज़ है, लोगों को अच्छा लगा होगा तो उन्होंने फेमस कह दिया होगा, ऐसा तो विशेष कुछ है नहीं। सब हर वर्ष की भांति जो हम लगाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ चेंजिंग हुई है, बाकी लोगों ने लाइक किया है ज़्यादा सुनने में जो मेरे माया, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क काम करता नहीं। तो आप कब से मतलब यहाँ पर टेंट लगाओ, कब से आ रहे हैं? हम सन 2000 से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और 2020 में कोविड था, इसलिए उस दौर में यहाँ गंगा स्नान का मेला ही नहीं लगा था। तो सन 2000 से आए तो 99 में थे, 99 में स्टार्टिंग की थी, लेकिन 2000 से फिर उसको बढ़ा लिया था, और 2000 के बाद में अब कंटिन्यू चल रहा है, 2020 में से लगा नहीं था, बाकी रनिंग में। और मतलब जो यहाँ पे टोटल एरिया की बात करें तो मतलब एरिया हमारा इस समय 11,982 मीटर लगभग क्षेत्रफल जो बताया मैंने, तो एक्यूरेट है कि पता है नाप कर कितना है। चले अंदर फिर थोड़ा देखा। बिल्कुल आई आई ठीक है भाई, अब चला ये देखिए भैया इनके डेरे की खूबसूरती। इधर ये बैठने की व्यवस्था करवाई हुई है बड़े भाई ने यहाँ पे। अब चलते हैं भैया की किचन की तरफ, वो दिखाएंगे। इसमें चाय बनती है, ये निकल कर काम करती है, साबर का है, इसमें चाय बनती है, ये गिरिंटी बनती है। इधर ये चाय का है जी, ये गिरिंटी है। ये नाश्ता भाई, ये इनका किचन है, बहुत ही बढ़िया किचन है यहाँ खाने का। मैंने इधर यहाँ पे चाय का अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये था भैया का यहाँ पे जो किचन था, अब अंदर की तरफ लेके चलते हैं आपको। चार पाए की ये जो पाए हैं ये कुछ डिफरेंट लगे आज, ये 304 स्टील में बनवाए। कितनी कीमत होगी इसकी? ये भी 50,000 रुपये में चार पाई बन गए। 50,000 में देखिए भाइयों, ये वही नोटिस किया था, कुछ अलग है ये, बैठ कर देखिए भाई। 12,500 की भाई, बहुत ही कंफर्टेबल है। अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ से हमारे ये स्विच कॉटेज कैंप है, यहाँ से आगे बरामदा है, बरामदे के सामने आप यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, हर कैंप के हर स्विच कॉटेज के सामने व्यवस्था है। इधर ये मेरी कॉटेज है, अभी बच्चे अच्छे कुछ उसमें खा रही होंगे, लेट होंगे इधर में जी। बहुत अच्छे, अभी में लाइट लाइट की फैसिलिटी जी, लाइट की फैसिलिटी कंबाइन है हर चीज़। नहीं, लाइट का बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, लाइट का अलग है, सेपरेट है, पोल से पोल की दूरी, टेंट से टेंट की दूरी इक्वल मिलेगी। ये टॉयलेट है इधर बना हुए। अच्छा, टॉयलेट ना अलग कॉटेज है, अलग ही टॉयलेट है।
इधर ये टॉयलेट का अरेंजमेंट है, वॉश बेसिन इधर आ गया है, इधर वॉश बेसिन भी कुल मिला के भैया ना बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है जी। शायद कर रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा। मेले में नंबर वन, ये मेले में नंबर वन है, टॉयलेट अलग बना हुआ है अब तक किसी का तो नहीं, ये नंबर वन ही है। और शायद ये ऐसा भी हो पोर्शन डिवाइड कर दिया कि आने वाले 4-5 साल में भी ये नंबर वन ही हो, क्योंकि जिस हिसाब से ये हर साल कुछ नया कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मुख्य वाला है सामने गैलरी के सामने स्टेज, यहाँ से पानी का लाइन दिया सब में, ये बोरिंग करा करके ना पानी टैंक पानी का ऊपर इसी से सप्लाई है यहाँ पर। अच्छा इधर ये बोरिंग आपने ही कराया है? जी जी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोरिंग कराया है, गाड़ी पार्किंग और परिवार के लोग जो सामान आया है वो उसमें, ये पीछे पार्किंग है उधर सारी। ये हमारा सेपरेट जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, ये है हमारा इसी में रखना, ये होता है। भैया ने आपको दिखाया है, ये भैया का इधर ये भैया इधर स्टे कर रहे हैं फिलहाल इसमें, अभी इसके बैक में बरामदा, फिर इसके बाद में इसमें भी टॉयलेट, टॉयलेट जी अंदर से ही है इसकी एंट्री भी, वो तो आपने दिखा दिया जी जी जी, सभी का सभी पूरा खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है सिटिंग के साथ, यहाँ पे उधर वहाँ पे ग्रोसरी रखी हुई है, यहाँ पे इधर पानी है। ये इधर पार्किंग का है, ये देख सकते हैं पार्किंग में भी काफ़ी स्पेस है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए जो आपको वाइट कलर की दीवार चमक रही है वहाँ तक पार्किंग का स्पेस है। तो ये देख, ये क्वेश्चन आपसे ये रहेगा जी, मतलब टेंट ये व्यवस्था की जाती हुई है जी, मतलब ये आपके मतलब किस लिए की हुई है? हमारे बाबूजी, हमारे ताऊजी, बाबूजी उनका प्रधान कृष्ण वाले, तो हमारा गांव सिखेड़ा यहीं होता है, 22 किलोमीटर दूर है यहाँ, उन्हीं की स्मृति में है हमका ये। आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा, जैसे कि मैं खुद अभी आए थे यहाँ पे, एक सिखेड़ा पड़ता है मोदनगर के यहाँ पे, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि मोदनगर वाला सिखेड़ा है, यहाँ पे गढ़ के पास ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में है, 22 किलोमीटर है। आपका जैसे हमने अरेंजमेंट देखा तो काफ़ी खर्चा किया हुआ है आपने, और जैसे कि आपने बताया आप 2000 से लगातार ही आ रहे हो, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का, क्या बोलना चाहोगे आप युवाओं से, जैसे यूथ इस समय में भारत में सबसे ज़्यादा है, तो मतलब क्या बोलना चाहोगे कि भाई एक साल का जो बजट है तुम्हारा सेविंग को अलग रख के यहाँ पे आना चाहिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जितना खर्चा यहाँ होता है उसे बिजनेस में लगा लो तो दुगना हो जाएगा, तो मतलब क्या बोलना चाहोगे आप? जैसा देखिए वो डिफरेंट चीज़ है, व्यक्ति का अपना मन है, अपना व्यक्ति का मन है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, युवा हैं और आज के इस दौर में अगर पृथ्वी पर कोई सच्चे दर्शन तो गंगे मैया के, लोग कहते हैं कि गंगे मैया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा गंगे मैया ने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, वो तो दिख रहा है, वो तो आज शायद इतना मतलब हर कोने में पहुँच जाएगा, वो तो 2-3 दिन में रेस्पॉन्स मिल गया, बहुत ही फेमस हो रहे हो, शायद हमने भी देख लिया, हम भी घूम रहे हैं। तो एक बात बता दूँगा, फेमस होने का मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो केवल सिर्फ और सिर्फ मैं तो बैक बेंचर आदमी हूँ, वो तो फेमस हो गया नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम बैक बेंचर आदमी, हमें नहीं पता है, हमारे यहाँ नेट काम नहीं करता, हमको पता नहीं है, हम तो साधारण से बोलूँगा, जो उन्होंने पूछा हमने वो चीज़ें थी उनको बता दी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से, हमारे क्योंकि हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री स्वयं महाराज श्री योगी जी हैं, तो उनसे एक आग्रह मेरा जरूर है कि एक बार, मैंने पहले भी उनसे जो और लगाए थे मैंने उनको भी बताया, तो हम एक बार कहेंगे इस पर प्रकाश ज़रूर डालें, अब की बार एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मेहनत काफ़ी की, समय से पहले भी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ जो सदर में जो आपका ये झूला होता था और नई बहुत सारी चीज़ें होती थी, एक वो मोटर बाइक वाला होता था, तो की बार मेले सदर में वो चीज़ें नहीं, और उसका बहुत इफेक्ट पड़ा है, उससे रौनक जो है वो मेले की घटी है, बड़ी नहीं है, और हमारे सामने तिगरी का लगता है ये मेला, ये इस मेले के अगर
आधार देखें, इस मेले का वो केवल 10% मेला होता था उस समय, वो केवल 10% मेला होता था। आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो मेला 110% है, और ये वाला रौनक कम हो गई है, रौनक बहुत कम हो गई। इसका कारण कई और कारण रहे हैं, एक तो शादी विवाह फंक्शन इसलिए भी लोग कम आए हैं, लेकिन मेले की जो रौनक है वो सदर वाली वो कम है। और जनता से एक अनुरोध मेरा हो रहा है, अगर इस मेले को प्रयास करें, वो अपने अपने आदमी के शौक हैं, या आप उसको गंगा से जुड़ी हुई बातें हैं, या फिर आपकी यहाँ शांति के लिए आते हैं, और सबसे बड़ा जो इसे पर्व भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ दुख की घड़ी भी आते हैं, जो दीपदान होता है उसके लिए भी आते हैं, तो मेरा एक आग्रह जरूर है कि मेले को दूषित ना होने दें, जितना हो सके इसमें योगदान करें। और एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत सपोर्ट हमको रहा है। भाइयों मैं उम्मीद करूँगा जिस तरीके से गंगा मैया ने इन्हें गंगा जी नवाई है, लगातार 20 साल आपका परिवार को भी ऐसी सुख समृद्धि मिले, उम्मीद करूँगा। आप लोग भी इनकी तरह मेहनत करो, देख सकते हो आप डेरा इनका, इनका बजट देख सकते हो। तो ये जब ही हुआ है जब इन्होंने, इनकी फैमिली ने मेहनत करके इस मुकाम ये जब ही हासिल हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपके परिवार में भी ऐसे लोग हों और आप भी इनसे सीख लें, ये बहुत ही अच्छी बात है। लगातार 20 साल, और शायद उम्मीद करूँगा अगले साल जब आएंगे हम नए ब्लॉग बनाने, तो और कुछ नया आपको दिखाएं, और ये भी कुछ नए ही करके आएंगे, तो मिलते हैं। प्रयास पर लगे हैं भैया, और लोग भी सब प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है साइड में सभी लोग, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब पूरे मेले के लोग, सब अपना परिवार है, सब श्रद्धालु अपने परिवार के लोगों के, बाहर का नहीं है यहाँ पर, सब अपने। यहाँ पे हमें मिले हैं विनय भैया, ये मुजफ्फरनगर से आए हैं। भैया कैसा लगा जैसे भैया ने व्यवस्था की हुई है? देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमें मुजफ्फरनगर, हमने इनका यूट्यूब पे देखा कि ठीक है इनका यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो काफ़ी इन्होंने देख रखा था कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे हर साल लगाते हैं, कि पिछले साल हमें 27 लाख का खर्चा, शायद 20 लाख इस बार 30 से भी ऊपर का है, तो ये भी देखता, तो हमने देखा नहीं जब वहाँ जाएंगे तो देख के आएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर हमारा क्या है शुक्रदाल का है, तो लगा कि अच्छा लगा काफ़ी, हर कुछ सब कुछ अच्छा है, यहाँ रखा था कि शायद पूरे गढ़ में गढ़ गंगा स्नान है ऐसा देखा नहीं किसी का, इतना अच्छा। ये तो हमने भी देखा है, जैसे आए थे कल रात आ गए थे, ठीक है, तो हम भी जैसे घूम रहे हैं ऐसी व्यवस्था हमें भी नहीं लगी। नहीं नहीं अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बैठ के भी, मतलब बात करके भी इनसे इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी, हाँ काफ़ी सब कुछ अच्छा, सब कुछ पसंद आया। भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना खूब सारा प्यार दें। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द।